एवरीवन, आई एम श्रावणी एंड हार्टली वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो कोई पेंटिंग रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कैनवेस कुकोयो का प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैनवास का रिव्यू करने वाली हूँ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने बस इस कैनवास को ऑनलाइन से खरीदा है, इसके ऊपर पेंटिंग किया है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो आप लोगों को पहले दे देती हूँ। ये वाला कैनवास बहुत ही छोटा कैनवास है। इसका साइज आप देख सकते हैं 20 cm × 25 cm, यानी कि 8x10 इंच का एक कैनवास है, जो कि मेरे एक फुट के स्केल से भी छोटा है। मैंने इससे पहले इससे थोड़ा बड़ा साइज का एक कैनवास इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इसका प्लास्टिक का कोटिंग नहीं खोला है, तो इस कैनवास को चलिए खोलते हैं। इस कैनवास को मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है। गाइस, ये कैनवास दावा करता है कि इसके ऊपर हेवियर वेट सुपीरियर क्वालिटी का क्लॉथ इस्तेमाल किया गया है, जो कि हर तरीके का पेंटिंग टेक्निक अप्लाई करने के लिए आइडियल है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन सरफेस होने की वजह से इसके ऊपर एब्जॉर्बेंसी भी बहुत अच्छा से होता है। इस कैनवास को वुडन फ्रेम के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेच करके लगाया गया है, जिसकी वजह से इसका अपर सरफेस बहुत ही स्मूथ है, जो पेंटिंग करने के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। और ये दावा करता है कि ये एसिड फ्री भी है। अभी चलते हैं कि इस कैनवास के ऊपर हम कौन सा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैनवास दावा करता है कि ये ऑयल कलर, एक्रिलिक और एल्किड कलर्स को इस्तेमाल करने के लिए आइडियल है। साइज तो मैंने पहले ही बोल दिया गाइस कि ये 8x10 इंच का एक कैनवास है, जो हमारे रेगुलर 30 cm स्केल से भी छोटा है साइज में। तो गाइस, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी रिव्यू अगर बोलूँ तो कैमरन कोकोयो का प्रोफेशनल आर्टिस्ट स्ट्रेस्ड कॉटन कैनवास बहुत ही अच्छा है। कैनवास है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं गाइस, ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, जो कि ऑयल कलर और एक्रिलिक करने के लिए बहुत ही सूटेबल है। बेटर एंड स्मूथ क्वालिटी का सरफेस होने की वजह से गाइस, जब मैंने पेंसिल से रफ स्केच किया तब भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया, और जब मैंने कलर शुरू किया वो कलर भी दूसरी ओर नहीं फैला। मैं यहाँ पर फैब्रिक कलर इस्तेमाल करके पेंटिंग कर रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। गाइस, अभी आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले पार्ट पे, जो कि है इसका प्राइस। इसका प्राइस यहाँ पर लिखा गया है 150 रुपीज, पर गाइस मुझे ये वाला कैनवास 130 रुपीज में ही मिल गया था। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं अप्लाई करना पड़ा। गाइस, मैंने इससे पहले कभी भी ऑफलाइन से, यानी कि लोकल मार्केट से कैनवास नहीं खरीदा है, तो मुझे ठीक से पता नहीं गाइस कि इसका प्राइस लोकल मार्केट में कितना होगा। ऑनलाइन से खरीदने में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, आई नो, बट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ इट, बिकॉज इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी देखो गाइस, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप फ्रेम कैनवास के ऊपर पेंटिंग करना चाहते हैं तो गाइस मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये कैनवास सच में बहुत ही अच्छा है। और कैमलिन का प्रोडक्ट्स तो सच में ही बहुत अच्छा है, क्योंकि कैमलिन का प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत बिकता है। मैक्सिमम आर्टिस्ट ही कैमलिन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, और मैं भी बचपन से ही कैमलिन का प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करती हुई आई हूँ। आप अगर चाहे तो इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन से परचेस करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज, और मेरी दूसरी पेंटिंग्स के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस कैनवास के ऊपर मैंने जो पेंटिंग किया है वो पेंटिंग को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। So guys, that's all for today. See you in the next one. Till then, stay safe, stay alert, stay at home, and take care.